वेलकम टू रिकमेंडेड टॉक्स। मेरा नाम है आदर्श गौतम। आई एम अ डिफेंस एस्पायरेंट एंड रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम 19 SSB इलाहाबाद इन NDA 144, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एंड हमारी जो रेगुलर ऑडियंस है उनके लिए। यार सॉरी, बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था एंड आई हैड लॉस्ट माई सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। तो स्मेल और टेस्ट जाने के बाद मतलब उतना ज़्यादा हार्ड कोई सिम्टम नहीं था, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे एंड आई हैव रिकवर्ड। सो इसीलिए मैं यार सॉरी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बहुत दिन से। एंड इन दिस वीडियो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र निखिल कुमार ने इंटरव्यू लिया है जावेद अख्तर। ही हैज़ बीन रिकमेंडेड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम SSB इलाहाबाद एंड ही इज़ हेयर टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, डू टेक नोट्स। आपको जो लगे सही कि जावेद बोल रहा है, आप उन सारी चीज़ों को नोट करें। एंड अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है, तो हो सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए, तो लाइव सेशन भी हम जावेद के साथ करेंगे। एज ऑफ नाउ वॉच द वीडियो टिल फुल। एनी डाउट्स, इफ एनी डाउट्स देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल हैव अ रेगुलर चैट सेशन। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद ऑल द अदर फेलो डिफेंस एस्पायरेंट्स। थैंक यू। Welcome everyone. My name is Nikhil Kumar. I welcome all of you on Recommended Talks. Here we have Javed Akhtar, jo ki NDA 146 recommended candidate, and he has given his written very well. Inka written mein bahut acha number aaya hai aur filhal merit ka wait kar rahe hain. Hope UPSC soon gives his merit. And okay then, how do you feel, Javed? Sir, it's a great feeling that is coming now and especially after recommendation, it's type of an honor and matlab bahut acha lagta hai sir ki the thing which I was dreaming that going to the academy and then passing out from there and becoming an officer, uska ek padav sir ek tarike se paar ho chuka hai, to acha lag raha hai sir. Good. तो भाई एक रिकमेंडेशन के बारे में एक यू नो देयर इज अ मिथ. तो द मिथ इज कि आफ्टर रिकमेंडेशन तुम्हारे पास मतलब लड़कियों की लाइन होगी और गर्लफ्रेंड्स होंगी, ऐसी होगी वैसी होगी. सो प्लीज क्लियर दिस मिथ. यस सर, बिल्कुल ऐसा सर मैं बताना चाहूंगा, कुछ नहीं होता है. ठीक है, इट्स जस्ट अ वेरी हैवी मिथ. ठीक है, जो हर किसी के माइंड में चलता है. ठीक है, रिकमेंडेशन का कोई लेना देना नहीं है कि आपसे कोई गर्लफ्रेंड आके बात करेगी, आपकी वो बंदी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, और मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ. लाइक मैं जब रिकमेंड हुआ था तो मुझे भी लगा था यार ठीक है, अब तो सेट है लाइफ है. तो मैंने अपनी मतलब क्रश को अच्छे से प्रोफाइल लगा के रिकमेंडेशन की और मैंने अच्छे से भेजा, फॉलोअर्स बढ़ा बढ़ा के, तब भी मेरी अब तक जो आइडिया है वो एक्सेप्ट नहीं हुई है. ठीक है, तो आप मेरे उससे अंदाजन लगा लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट अ मिथ. एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मिथ, आप लोग अपना हार्डवर्क कीजिए और पेरेंट्स का खुशी देखिए, वो ज्यादा आपको वो मोटिवेट करेगा अंदर से. ये तो आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसा करियर है जिसमें मोटिवेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड यू नो कि मोटिवेशन अगर नहीं रहेगा तो वी ब्रेक अपार्ट इन द मिडिल. यस यस. तो आपका आपका मोटिवेशन जो है वो कहाँ से आया? मोटिवेशन सर लाइक हमारे स्कूल से सर बहुत सारे सीनियर्स जो है एनडीए में है, दे आर स्पेशली इन एनडीए एंड लाइक व्हेन आई सॉ देयर यूनिफॉर्म्स, जब मैं फेसबुक पे देखता था तो एक वो मोटिवेशन था. प्लस बिलोंगिंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, इट्स ऑलवेज बीन अ सेंस ऑफ प्राइड विद लिविंग विद द आर्मी थिंग्स एंड आर्मी कल्चर. एंड वेन एवर आई सी मैनी ऑफिसर्स having their star, they glitter in my eyes literally and I feel so much motivated that josh comes in my mind. And sir like and sonne pe suhaga sir tab ho gaya jab sir main 11th mein aaya and when I meet my friend. To sir ek hota hai na jo friend circle hota hai wo bahut zaruri hota hai. Mere pure friends defense career ko leke ekdam motivated the, sab mein competitiveness tha ki nahi yaar karna hai and that competitiveness becomes our passion and hard work. तो हमने फिर स्टार्ट कर दिया एंड देन वी फॉलोड एवरी स्टेप रिटन देन SSB एंड देन फाइनली वी रीच हेयर. सो द जर्नी वाज बीइंग लॉन्ग बट इट्स अ सेटिस्फैक्टरी जर्नी. संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है ना. यस यस सर, यस सर. ओके जावेद, तो
आपका कोई रोल मॉडल जो आपको मोटिवेट किया हमेशा कंटिन्यूअसली ही वाज विथ यू और शी वाज विथ यू, तो आप अपने किसी को रोल मॉडल आप मानते हैं जिन्हें आप क्रेडिट देना चाहेंगे दिस फॉर दिस करियर व्हिच यू आर गोइंग टू परस्यू इन फ्यूचर? Yes, sir. I have one role model, and he is very much senior. He is Brigadier H.P. Dhillon, sir. He is former commanding officer of my father, and he is literally like a man that I have never seen. Itna, sir. He is in a such a josh, and everything is that. And starting from the return to the SSB, he has been there for me. Like any doubt, I could have called him any time, and he would have cleared it. So, sir, ek wo sir bahut acha guidance tha. Plus, sir, ek रोल मॉडल इज लाइक कि आपका जो हर पॉइंट पे साथ दे, सो दे आर पेरेंट्स ऑल्सो, दे आर योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दे आर योर टीचर्स ऑल्सो, किन्हीं से भी आप जो सीखते हो वो आपका रोल मॉडल है. सो मेरा सर रोल मॉडल दे आर अनेक, दे आर नॉट वन कि भाई हाँ मैं वन कहूँ, बहुत सारे सर. और सर सबको सर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा. और सर जैसे सर एक गोविंद जी की एक लाइन है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनो कुटु बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाई. अर्थात आपका जो मतलब आपकी जो बुराइयाँ करता है, जो आपके अंदर की चीज़ें बताता है, वो भी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी सक्सेस में, ठीक है. तो सर उन्हें भी सर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, उनकी वजह से शायद अगर वो मेरे अंदर की कमियाँ नहीं बताते कि भाई तू इधर वर्क कर, या तू भाई तू नहीं हो पाएगा, तो फिजिकली नहीं है, या कुछ ऐसा जैसा भी वो बोलते हैं, तो वो सर एक वो भी हेल्प करता है सर. तो एस्पायरेंट्स, positivity plays a very important role. You know, negative people are there, they will give means negative things, they will tell about yes. your weaknesses, and you have to take it positively, hai na? Positivity. So yes, positively sir, yes. usse lena hai aur uske baad aage badhte rehna hai. So abhi jo agar koi 10th ya 10th se below ke jo ladke hain wo abhi dekh rahe honge aur unhe pata nahi hai ki NDA mein kaise jaaya jata hai, to ek overview jo aap batana chahenge ki NDA ke liye kaise, agar koi chahe ki NDA mein join karke ek afsar bane army mein, नेवी में या एयरफोर्स में, तो वो कैसे उसका पाथ कैसे जाना चाहिए? सर मेरे हिसाब से सर जो 9 10th के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मतलब सौभाग्य है अगर वो 9 10th में डिसाइड कर लेते कि उन्हें डिफेंस फोर्सेस में जाना है. तो क्योंकि क्या है, अगर आपका गोल आपके सामने क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर, तो आपको पता है आपको क्या करना है. तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, सी नथिंग इज इम्पॉसिबल. ये जो एक हवा बना रखा हुआ है कि भाई 400,000 बच्चे बैठते हैं, 10,000 का होता है, 400 रिकमेंड होते हैं और 300 तक एकेडमी जाते हैं, ऐसा नहीं है. ये एक मिथ है भाई, उन 300 में तुम भी हो सकते हो, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है. यू जस्ट आपको एक कंसिस्टेंट एक होता है ना सर, कि आपको एक प्रॉपर पाथ फॉलो करना रहता है. जो चीज़ मतलब जैसे मैं अगर रिटर्न की बात करूँ, रिटर्न में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नहीं पढ़नी, तब भी बच्चे उसे पढ़ लेते हैं, है ना. तो वो मतलब कोई बेनिफिट नहीं देता. एक स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड स्टडी दोनों ही आपको बेनिफिट देंगे अगर आप एनडीए जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. ऐसा नहीं है आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपका क्लियर है, नहीं, हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा. तो 10th वालों को मैं स्पेशली ये बताऊंगा कि आप जो है अपने 3 चीज़ों पे फोकस बहुत अच्छे से कीजिए अभी, क्योंकि आपके लिए गोल्डन टाइम है. एक आपके इंग्लिश जितना ज़्यादा फ्लुएंट होंगे उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे. एक्सप्रेसिव इन द सेंस इट नॉट मीन दैट इंग्लिश इज जस्ट अ मस्ट फॉर द SSB. नो, इट्स नॉट द केस. इंग्लिश ज़रूरी नहीं है SSB में, लेकिन अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली स्पीक करते हैं तो आप अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे assessors के सामने, तो वो एक अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, ठीक है. और जो है आगे अगर आपका मैं दूसरा बताऊँगा, एक होता है मैथ्स को आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते कीजिए. मैथ्स इज द बेस ऑफ एवरीथिंग. मैथ्स क्योंकि NDA का रिटर्न सर आपने भी दिया, मैंने भी दिया है, तो मैथ्स का ही पेपर पहले चेक होगा, फिर GAT का होगा. चाहे GAT में तुम 600 में से 600 भी क्यों ना ले आओ, ठीक है. तो सर मैथ्स पे ध्यान दीजिए. और तीसरी मैं बताऊंगा, ये कोई बताता नहीं है, आप ध्यान दीजिए अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पे, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी सेम डिक्टो 10th की ही आती है. 11th में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन रियरली आता है, ये नहीं कहूँगा नहीं आता है, रियरली आता है, लेकिन ज़्यादातर वो 10th से ही होता है, 10th और 9th से. फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म वाला, रशियन रेवोल्यूशन एंड इंडियन स्ट्रगल स्पेशली मॉडर्न. और ज्योग्राफी तो डिक्टो सेम, इकोनॉमिक डिक्टो सेम, और पॉलिटी में प्रियम्बल वाला ये वाला चैप्टर. तो ये सर कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप 10th 9th से ही अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आगे आपको NDA की प्रिपरेशन में बेनिफिट होगा. तो आपका रिटर्न जो है आपका, आप 12th में रिटर्न दे सकते हैं. सितंबर वाला अटेम्प्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं रिटर्न के लिए. मैंने भी सितंबर वाला दिया था और मेरा 6 सितंबर को हुआ था रिटर्न.
एंड देन आप लोगों का अगर क्वालिफाई होता है देन यू वुड बी कॉल फॉर दी SSB. आपका 5 डेज प्रोसेस होगा. यू वुड बी गॉन थ्रू वेरियस नंबर ऑफ टास्क. इंपॉर्टेंट नहीं है कि टास्क कितने होते हैं, कैसे करने हैं, नहीं, आपको जो भी करना है अपना बेस्ट देना है बस. उससे आपको मतलब नहीं कि भाई सेलेक्ट होऊंगा रिजेक्ट होऊंगा, नथिंग. ठीक है. एंड देन आपका फिर आप अगर रिकमेंड हो जाते सक्सेसफुली देन यू वुड बी वेंट फॉर द मेडिकल्स. एंड इफ यू आर मेडिकली फिट देन इट्स वेरी मच गिव्स यू अ जॉय. एंड देन मेरिट कम्स एंड इफ यू आर इन द मेरिट एट अ गुड रैंक यू वुड डेफिनेटली गॉट योर कॉल लेटर एंड बी इन द एकेडमी सून. तो सिंस द फर्स्ट स्टेप टू ज्वाइनिंग द एकेडमी इज रिटन, तो हम रिटन पे ही बात करते हैं पहले कि रिटन में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए. मतलब स्ट्रेटजी तो आपने बता ही दिया, लेकिन फिर भी एक सेफ मार्क्स आउट ऑफ 900 कितना आना चाहिए, मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इंग्लिश में क्या होना चाहिए, तो ये आप एक बार बता दें. मेरे हिसाब से सेफ मार्क्स जो एनडीए के लिए है, अभी कॉम्पिटिशन जो है बहुत हाई जा रहा है ना, तो मेरे हिसाब से सेफ मार्क्स 400 प्लस है. लाइक हम जैसे देखते हैं अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ इट्स अराउंड 345 कभी कट ऑफ नहीं गई है, लेकिन वो जा रही है इस बार, है ना. तो 345 इज़ अ वेरी हाई कट ऑफ. इफ़ इट्स गोइंग तो इसका मतलब है लेवल बढ़ रहा है बच्चों का, तो आपको प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी. मेरा क्या था, मैं ऐसे करता था, मेरा ज़्यादा फोकस मैथ्स पे रहता था. मैं ट्राई करता था मैथ्स में मैं मैक्सिमम गेन कर पाऊँ. ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th में ही स्टार्ट कर दी थी. ठीक है, हमारे टीचर्स बहुत बहुत हेल्पफुल थे. हमारी मैम थी, एक श्वेता मैम थी और दो आशीष रतन सर थे, देवर आर मैथ्स टीचर एंड देवर लिटरली वेरी हेल्पफुल फॉर मी. लाइक मैं उनसे 12th के क्वेश्चंस भी पूछता था. मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी 12th की मैथ्स भी करने की, क्योंकि मैथ्स मुझे एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था मेरे लिए. तो मैथ्स में ही मैंने स्टार्टिंग से वर्क किया और जो है फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स करने लग गया. 11th में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर दिए थे. मैं देखता था कि कितने होते थे स्टार्टिंग में. आई एम श्योर दैट आप लोगों से कम होंगे, 30-40 मिनिमम जाएगा आपका, हो सकता है 10-20 भी जाए. डीमोटिवेट नहीं होना, करते रहना. मैथ्स इज अ बेस, इसीलिए शायद मेरे मैथ्स में जब ही अच्छा आया और आई एम गेटिंग अराउंड 119 मैथ्स आउट ऑफ 300. तो मैथ्स में मैंने बहुत जोर दिया था. एंड 12th में मैंने जो है ग्रेड अप एंड अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज खरीद लिए थे, तो उनके जो मॉक टेस्ट पेपर्स है वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, जेई लेवल के, है ना. तो मतलब प्रॉपर जेई के भी नहीं होते एंड प्रॉपर एनडीए के भी नहीं होते, मिड में होते हैं. तो उन्हें आप कर लोगे तो हाइयर कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाएंगे, तो आप जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी आप अच्छे से कर लोगे. ये मैथ्स की हो गई. GATE में मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप अगर PCM बैकग्राउंड से हो तो आप ज़्यादा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश पे कीजिए. ठीक है, क्योंकि आप ये समझिए मोटा मोटा कि जो इंग्लिश जो है हमारी 300 मार्क्स की होती है. ठीक है, और जो है बाकी का हमारा पूरा 300 मार्क्स का होता है. 200, अच्छा सॉरी, इंग्लिश 200 मार्क्स की होती है. ओके, असल में टाइम हो गया, तो इंग्लिश 200 मार्क्स की होती है एंड बाकी का हमारा 400 मार्क्स का होता है, जिसमें से 200 की साइंस होती थी एंड 200 की SSC हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली. ठीक है, तो 200 में से आप जो है इंग्लिश अगर आप CBSE से पढ़े हैं और थोड़ा बहुत अगर आप इम्प्रोवाइज पिछले साल के पेपर देखते हैं और उन्हें सॉल्व करोगे प्रॉपरली थोड़ा अच्छे से, तो आप इंग्लिश आराम से निकाल पाओगे. 100 प्लस आराम से आ जाते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मिनिमम 100 प्लस आ जाते ऐसा. और एक और मिथ होता है कि भाई इंग्लिश की कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी रहती है, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स की भी करनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं. पूरी GATE का आपको 25% करना रहता है, अर्थात अगर आप इंग्लिश को छोड़ के भी आ जाते हो और GATE का क्वालिफाई करते हो तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना. ठीक है, इंग्लिश भी करना है, मार्क्स गेन करो. ठीक है, क्योंकि मेरिट में बहुत दिक्कत होती है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरिट आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो वो अलग चीज़ होती है, वो ऐसा होता है लाइक मिठाई विठाई बट गई, सब कुछ हो गया और अचानक से मेरिट में नाम नहीं आया. ठीक है, तो मेरिट के लिए आप इनिशियल डे से प्रिपेयर कीजिए. तो इंग्लिश का हो गया, चलते हैं फिजिक्स पे. फिजिक्स जो है आप जो है 11th 12th की फिजिक्स नहीं पढ़नी, 11th 12th की नहीं आती है, 10th लेवल के आते हैं, रजिस्टर्स के क्वेश्चन आते हैं और 11th के में भी बस ये आता है साउंड्स में से जो क्वेश्चन होते हैं लाइक वेवलेंथ टाइप ऐसे. UPSC का जो फिजिक्स का पेपर होता है वो बेसिक्स होता है. ठीक है, आपसे वो JEE वाले क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, यही एक चीज़ है, पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है. लोगों को पैटर्न नहीं पता और वो बुक पे बुक पढ़े जा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, है ना. तो पैटर्न समझिए. केमिस्ट्री भी सेम है एंड बायो लिटरली मैं बता रहा हूँ, 10th की बायो पढ़ लो बस. मैंने 10th की पूरी पढ़ी थी और बायो सिर्फ एक हफ्ते पहले पढ़ो, क्योंकि बायो रटने वाली चीज़ है. अगर आपकी रटन विद्या अच्छी है
तो आप पहले से बायो पढ़ते हुए चलिए, और अगर वो अच्छी नहीं है तो एक हफ्ते पहले पढ़िए जैसे मैं पढ़ता था, पूरा माइंड में फ्रेश रहता है। और ये सेल से तो हर टाइम क्वेश्चन आता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम आता ही आता है, ठीक है, तो इन्हें कर लीजिए। इस बार भी आया था, चेक कर लेना उठा के, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आया था, तो हर टाइम आता ही है, सेल से क्वेश्चन आता है। तो ये जो जो चीज़ें फिक्स है उन्हें पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और अगर आप भाई ज़्यादा ही नंबर स्कोर करना चाहते हो, अगर आपने इतना कर लिया ना जितना मैंने बताया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश एंड मैथ्स, तो आपके 400 प्लस आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है अब आपको पूरी SST आप खाली छोड़ दोगे 200 नंबर की, उसमें आपको कम से कम 50 तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि इतना भी टफ नहीं होता वो। मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है इंडिया का, कैसे हमें स्ट्रगल मिला, सॉरी हमने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, रटने वाली चीज़ है, मैं जानता हूँ रटने वाली चीज़ है, लेकिन अब रटना पड़ेगा। देखो सम, एक मनोज पांडे सर की एक लाइन है, सम गोल्स आर सो वर्दी दैट इवन इट ग्लोरियस फेल्स, ठीक है, तो वो गोल जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना वो बहुत वर्दी है, तो उसके लिए आप पढ़ो, ठीक है, अब रटो, जो करना है करो, ठीक है, आपको नंबर से मतलब है, कोई उधर आपसे नहीं पूछेगा कि भाई तुमने कैसे किया कैसे नहीं, पढ़ो रटो जो करना है करो, लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो मेरे हिसाब से, और मॉडर्न में भी सिर्फ पढ़ो इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडिया का कैसे फ्रीडम स्ट्रगल था। अगर आपको और पढ़ना है तो ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ता था, लिटरली मैंने नहीं पढ़ी थी, और डिफेंस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस ज़रूर पढ़ के जाना, UPSC हमेशा एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन पूछती ही पूछती है, लेट इट बी मालाबार, इस बार भी एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आया था, कोई कवच एक्सरसाइज आई थी कि कौन सी उसके बीच होती है, तो वो चार के बीच होती है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, कवच एक्सरसाइज, तो और एक डेजर्ट किंग नाइट एक्सरसाइज ऐसा भी कुछ आया था, ठीक है, तो पेपर आपका जो है ना, समझो पेपर को पूछता क्या है, तो एक्सरसाइजेस सारी करके जाओ जितने मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती है। और करेंट एंड अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं करेंट एंड अफेयर्स के लिए, लाइक वन ऑफ द चैनल इज गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, इट्स वेरी गुड, ठीक है, आप उसे लिटरली ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, उसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, है ना, एंड स्पेशली यू कैन गो फॉर मैथ्स ऑल्सो। देखो जिसका जो चीज़ वीक है उस चीज़ का आप वर्क करो, ठीक है, स्पेशली मैथ्स को तो यार लाइटली मत लेना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मैथ्स की वजह से पेपर क्वालिफाई नहीं होता, वरना वो GATE में उनके बहुत अच्छे होते हैं, तो मैथ्स पे आप जितना फोकस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। डेफिनेटली, सो आफ्टर सच अ गुड स्ट्रेटजी हम लोग अब आगे बढ़ते हुए अब पता करते हैं कि SSB में SSB क्वालिफाई करने का राज क्या है आपका। तो SSB में पहले स्क्रीनिंग पे जाते हैं, Day 1 इज स्क्रीनिंग, सो स्क्रीनिंग के बारे में आप कुछ बताएं कि क्या क्या होता है और फिर उसके बाद आपका क्या स्ट्रेटजी रहा उसमें। देखो मतलब सर ऐसे था, हम मेरा 6 o'clock रिपोर्टिंग तक करियप्पा द्वार पे, तो मैंने रिपोर्ट किया एंड वो जो रेड कलर में लिखा हुआ था करियप्पा द्वार, उसे देख के ही अलग ही फीलिंग आ रही थी, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टाइम मैं फ्रेशर था, अलग फीलिंग। अब उसमें जैसे हमारे मैं लाइन में खड़ा हो गया, मेरा एक फ्रेंड भी था मेरे साथ, तो हम जो है खड़े हो गए, तो उसमें एक रिकमेंडेड बंदा था, तो सब ऐसे रिकमेंडेड हो भाई जैसे पैर छूने को आ जाते हैं ना, तो मतलब ऐसे मैं भी था कि भाई यार कैसे किया था यार, स्क्रीनिंग कैसे होते हैं ये सब, है ना, तो मतलब जो बाहर तुम जो खड़े होते हो ना, मैंने एक चीज़ नोट की यार, उससे अगर तुम ज़्यादा किसी से कुछ पूछते हो तो तुम्हारे अंदर प्रेशर आता है, अगर भाई उसने कह दिया यार कि मैं तो ऐसे था और तुम्हें लगेगा यार मैं तो ऐसा हूँ नहीं यार, मेरा तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा पूछना नहीं चाहिए किसी से कि भाई कैसे हो, ठीक है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपका हो गया, बढ़िया बढ़िया अपना, फिर आगे चलो अंदर। तो हम अंदर से गए फिर सिलेक्शन सेंटर, उसमें रिपोर्टिंग शेड में गए एंड बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, एकदम सब फॉर्मल्स में आए हुए थे, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। फिर हम लोग हमें फिर विक्रम बत्रा हॉल में लेके गया एंड आर डॉक्यूमेंट्स वॉज चेक्ड, थॉरली चेक्ड होते डॉक्यूमेंट्स, और फिर हमारे ठीक है सब कुछ वेरीफाई हो गया एंड देन वी वर यूज टू टोल्ड डैट आप जो है, हाँ जाने से पहले हमें कहा गया था कि आप लोग पेन लेके आ जाइए और डिजिटल वॉचेस एंड मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, तो अब पेन में मैं एक ही पेन लेके चला गया, मुझे लगा ठीक है एक ही ले चलते हैं, और किस्मत उस दिन इतनी ख़राब थी, जिस पेन को लेके गया था उसकी रिफिल ख़त्म हो गई थी पूरी, ठीक है, तो फिर मैंने सर से कहा कि सर प्लीज़ सर लेट मी गो सर इट्स इम्पोर्टेंट, तो सर ने कहा कि तुम पहले नहीं ला सकते ऐसे, मतलब है ना गलती मेरी थी तो सुनना पड़ेगा, तो मैंने सॉरी बोल के जैसे तैसे फिर मैं दूसरा पेन वेन लेके आ गया, बैठ गया एंड देन हमारा OIR स्टार्ट हुआ, तो OIR हमारे जो होते टोटल
तीन टेस्ट होते हैं स्टेज वन में, ओआईआर टेस्ट, पीपीडीटी टेस्ट, एंड उसी में ही एक पार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन। तो हमारा जो होता है पीपीडी ओआईआर में ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, इट्स लाइक अ टेस्ट ऑफ वर्बल एंड नॉट वर्बल क्वेश्चन, दे आर 50 एंड हमें टाइम अलॉट हुआ था 32 मिनट्स फॉर द फर्स्ट सेट। तो आई वुड से वो इजी टेस्ट होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। आपको हर चीज़ में बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर वो टेस्ट है तो उसका कुछ मतलब है, ठीक है। उसमें आपको ग्रेडिंग्स दी जाती है, OIR 1 OIR 2 ऐसे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, आप अपना बेस्ट करिए। तो उसके लिए आप ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है, एंड आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, एंड फ्री की होती है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पैसों से ही खरीदें, नो नथिंग, आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी बहुत सारी, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, अपना सॉल्व कीजिए, एक हफ्ते पहले सॉल्व कीजिए। ज़रूरी नहीं है, वो रिटर्न की तरह नहीं होता कि भाई उसे आप जो है 2-3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दो करना, है ना। वो एक हफ्ते पहले स्टार्ट कीजिए, आराम से फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो दो ओआईआर टेस्ट होते हैं, 50-50 क्वेश्चन होते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट, पूरी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, ठीक है। एंड आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, तो आपको ऐसे भर के करना है। देन आपका फिर एक साइकोलॉजिस्ट मैम आई हमारी, एंड शी ब्रीफ्ड अस अबाउट पीपीडीटी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है जो भी आपके दिमाग में जो भी आप सीख के जाते हो ना, उसे साइड कर देना, ठीक है। जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बताते कि ऐसे ऐसे होता, नहीं, उनकी ब्रीफिंग सुनना। ब्रीफिंग्स इज द की, लाइक वो ब्रीफिंग्स में जो बोलते हैं ना, उन्हें फॉलो करो, ठीक है। अगर ब्रीफिंग्स में वो कहते हैं डैट यू हैव टू डू लाइक दिस, कि आपको पहले नहीं लिखना जब तक लाइट्स ऑन नहीं होती, कुछ लोग पहले लिखने लग जाते, नहीं, जो रूल फौज में जो आदेश दे दिया, ठीक है। राइट डाउन योर फर्स्ट स्टिमुलस, हाँ, राइट डाउन योर फर्स्ट स्टिमुलस, कोई, क्योंकि उसमें ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर तुम भाई यही सोचते रहोगे यार ये स्टोरी तो इसमें OLQs नहीं दिख रही एंड ऑल वो नहीं दिख रहा, तो वो फिर तुम फंस चुके हो, फिर उधर फंस जाओगे, ठीक है। अलग ही 4 मिनट यू निकल जाते, पता नहीं चलता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही निकल जाएंगे वो अगर तुमने नहीं किया। एंड गॉड का ग्रेस था कि मैंने जो पिक्चर देखा वो पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। ये भी एक मिथ होता है कि पिक्चर हेजी आती है, नहीं, मेरी क्रिस्टल क्लियर आई थी एकदम पिक्चर। मुझे 3% दिख रहे थे, है ना, एंड 2 were males and 1 were female एंड दे वर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। एंड फॉर्चुनेटली मैंने उसी पिक्चर को प्रैक्टिस भी किया था जब मैं TAT के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, तो सेम पिक्चर आ गई थी वो, तो मैंने ऑलरेडी उस पर स्टोरी बनाई हुई थी, तो मैंने सेम लिख दिया, तो मेरा 2 मिनट में सब कुछ हो गया था। एंड मैं मेमोराइज करना स्टार्ट कर दिया कि अपना घर से जो तुम GD के लिए मेरे हिसाब से रट लो पहली लाइन्स, जैसे ऑल राइट जेंटलमैन इन द पिक्चर आई परसीव दिस कैरेक्टर, इस लाइन को रट लो, क्योंकि ये लाइन जो है तुम्हारी ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, ठीक है। यही तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन देगी तुम्हें, भाई तुम हो कैसे, ठीक है। अगर इसी में तुमने कर दिया तो फिर सही नहीं है, ठीक है। तो इसे रट लो, ऑल राइट जेंटलमैन इन द पिक्चर आई परसीव दिस मैनी कैरेक्टर, दे वर मेल, देयर एज वर दिस एंड दे वर इन पॉजिटिव मूड, द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज दिस, एंड अपना स्टोरी नरेट करो 1 मिनट में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ऑल दो मैं स्टोरी मतलब नरेट कर रहा था एंड देन ऑफिसर सेड ओके नेक्स्ट, ठीक है। तो अपना डिमोटिवेट नहीं होना कि यार इन्होंने नेक्स्ट बोल दिया, पूरी सुनी भी नहीं, है ना, अपना कॉन्फिडेंटली रहो। पार्टिसिपेट गुड इन डिस्कशन, ऐसा नहीं है कि यार डिस्कशन में तुम्हें बहुत तगड़ा पार्टिसिपेट करना है, नहीं, उधर नेता नहीं बनना है तुम्हें डिस्कशन में, ठीक है। उधर भाई तुम्हें नॉर्मल रहना है, ठीक है। यू आर डिस्कस लाइक यू आर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, है ना, कि भाई दोस्त, भाई तेरा क्या ओपिनियन है पिक्चर में, तुझे क्या लगा, बस इसी को इंग्लिश में बोलना है कि जेंटलमैन आई थिंक मुझे ये लगा, ठीक है। ये जो कार्रवाई करनी है इंग्लिश में कीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। ऑल्दो वो आपको ब्रीफ करेंगे कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इनफैक्ट आपको साइकोलॉजिस्ट मैम ये भी बोलेंगे कि आप स्टोरी भी हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को सुनो, अगर तुम सुनने के बाद भी पूछो कि मैम हिंदी में लिख दूँ या हिंदी में बोल दूँ, तो यार कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी पूछते हैं, तो वो मत करना। एंड देन अपना GD करो, अच्छे से पार्टिसिपेट करो, एंड जाते टाइम प्रॉपरली अपना ग्रीट करो, ओके थैंक यू सर, एंड देन अपना बाहर जाओ। एंड अपना हम जैसे बाहर आए तो यार ऐसे लगता था, ठीक है, मतलब अपना हो गया, जो हो गया हमने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। अब जो आगे होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। एंड ऑल दो मतलब जैसे और भी लोग होंगे, जैसे वो लोग थोड़ा लोग सैड हो जाते हैं तो उन्हें मोटिवेट करो, इट्स ऑल्सो क्वालिटी, ठीक है। ऐसा नहीं यार कि तुम अपने में लगे हो, भाई मेरा तो हो गया, वो अपना जाने, ठीक है, मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
वैसे मोटिवेट करो, कोई नहीं यार होगा, तेरा भी होगा, देखना अभी नंबर आएगा, देखना चेस नंबर आएगा, ठीक है अच्छे से। देन हमारा चेस नंबर बोलते हैं, एंड यस वन मोर थिंग, 54 हमारे में रिपोर्ट करे थे, रिपोर्टिंग 77 की थी लेकिन 54 ने रिपोर्ट किया था, एंड 24 गॉट स्क्रीनड इन, एंड फिर हमारा जो है फर्दर डॉक्यूमेंटेशन करवाया गया था। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग में इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रुप डिस्कशन और जो नरेशन पार्ट हो जाता है पीपीटीटी का। यस यस, नरेशन के लिए तो इनिशियली यू हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम लोग को पहले ही से जेंटलमैन, ऑलराइट जेंटलमैन ये सब करके जाना चाहिए, और ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा ओवर नहीं दिखाना है, ओवर तो नहीं होना चाहिए अपना ओएलक्यूज। सबका साथ सबका विकास, ये डायलॉग अपने दिमाग में पूरे एसएसबी में बिठा के चल लो, ठीक है बस। बिल्कुल, तो हम लोग अच्छा, तो एक पॉइंट अगर कोई स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन आउट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, whether it is written entry or it is direct entry or it is some other entry, you know, TES or NDA किसी में भी जाओ, तो written का स्क्रीन का बाद चांसेस बढ़ जाता है स्क्रीन आउट होने का, और स्क्रीन इन होने का चांस घट जाता है। तो पिन पॉइंट स्ट्रेटजी विच यू विल टेल कि सबसे ज्यादा फोकस किस चीज में रहना चाहिए स्क्रीन इन होने के लिए। Like I would say सबसे ज़्यादा फोकस मेरे हिसाब से, तो मुझे लगा है ना, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, इट्स मे डिफर OIR एंड PPDT का नरेशन, ठीक है। PPDT का नरेशन शुड बी सो कॉन्फिडेंट ना कि भाई वो एकदम आपको देखते ही बंदे में भाई जोश है, ठीक है। हमारा जब चेस नंबर वन ने PPDT स्टार्ट किया था ना, तो एकदम ऐसे कुछ वाइब से नहीं आ रहे थे, मतलब नॉर्मली हम सब देख रहे हैं, फिर जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया, ऑलरेडी जेंटलमैन एकदम, तो सबका ध्यान केंद्रित हो गया। ध्यान को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है, अट्रैक्ट करो, बी अ मैग्नेट, ठीक है, उन्हें अट्रैक्ट करो। तो अट्रैक्ट कैसे करोगे, अपनी बातों से, बातें कैसे अच्छी होंगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो सिंपल मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें आपके 90% आपको सेलेक्ट करवा सकते हैं। आप OIR बेस्ट परफॉर्म कीजिए, PPDT का नरेशन अच्छा कीजिए, GD ग्रुप के हाथ में भी है और आपके हाथ में भी है। ऐसे लोग पूरा का पूरा ग्रुप को ही ब्लेम कर देते हैं कि यार बोलने ही नहीं दिया, ऐसा नहीं होता, आप चाहे तो बोल सकते हो, लेकिन ये दो चीज़ें आपके हाथ में है, तो इन्हें आप बेस्ट कर सकते हो, जितना बेस्ट कीजिए। तो थोड़ा आवाज़ में जोश आना चाहिए और साथ में नरेशन, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होता है, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए ना। यस यस यस। ऑलराइट, तो हम लोग स्क्रीनिंग के बारे में अब जान चुके हैं, बहुत सारा स्ट्रेटजी पता चल गया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नर्वस नहीं होना है बाय गेटिंग, ऑल ऑफ अ सडन हम लोग रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को देखते हैं और नर्वस होने लगते हैं कि यस नहीं कोई यार, वो भी आपकी तरह है यार, वो भी भाई कोई ऐसा कोई ऊपर से थोड़ी रिकमेंड होके आया था, वो भाई धरती पे रिकमेंड हुआ है ना, तो कुछ ही नहीं है, समय के साथ क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी। ये ऐसा दिमाग फितूर निकाल दो भाई, रिजेक्शन सेंटर इलाहाबाद है, भोपाल है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नथिंग इज रिजेक्शन सेंटर, दे आर फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे, रिजेक्ट करने के लिए नहीं, वो आप में क्वालिटीज नहीं है इसलिए आप रिजेक्ट हो रहे हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंट्रोस्पेक्ट करो एंड डेफिनेटली आप कभी ना कभी मेक इट करोगे। श्योरली, और ये एक मिथ बना रहता है कि इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर मिल गया, तो थोड़ा डर लग जाता है पहले ही से कि यार कहीं स्क्रीन आउट ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इलाहाबाद का थोड़ा स्क्रीन इन रेशियो भी कम है अगर बाकी सेंटर से कंपेयर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब लेना नहीं चाहते, नहीं, ठीक है, तो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर भी। तो अब स्क्रीनिंग का बात हो चुका है, अब लेट्स मूव टू साइकोलॉजी, जो कि डे टू होता है अपना। तो साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी में यू नो टैट्स होता है, वैट्स, SRTs, STTs होता है, तो उसमें पहले ही से, जैसे एक पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि पहले ही से पता रहता है हम लोगों की TAT है और TAT में एक ब्लैंक स्लाइड आने वाला है, तो whether we should go prepared for it or not, और दूसरा सवाल ये रहेगा कि SDT में भी वही सेम सिचुएशन है कि we know कि SDT में क्या क्या आने वाला है, तो whether we should go prepared for this or not, और have you gone prepared for it or not? Definitely according to my view है ना, according your warning है, ठीक है, मेरे हिसाब से you should go prepared, क्यों, क्योंकि ब्लैंक स्लाइड जो होती है ना यार, वो भाई अगर तुम प्रिपेयर्ड हो, एंड ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम्हें सीक्वेंस में लिखना है कि भाई हाँ जो पहली पिक्चर्स में सारे में हुआ तो उसी में कुछ बना के लिख दो, नहीं, ब्लैंक स्लाइड में यू कैन बी प्रिपेयर्ड, एंड इन द ब्लैंक स्लाइड यू कैन इंक्लूड योर एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ, एनीथिंग दैट यू हैव अचीव्ड इट। वो ब्लैंक स्लाइड का मतलब ही ये होता है कि आप कुछ अपने बारे में कुछ दिखाओ, अगर उसमें भी यार आप कुछ ऐसा लिख दोगे जो आपने कभी किया नहीं है और कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं करना, जो आपने कभी किया है तो आप लिख दो यार, जैसे किसी में आपको मेडल मिला या कभी आपने कुछ
टूर्नामेंट करवाया या कुछ करवाया तो वो आप लिखो, वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट, इसीलिए आप देखने के लिए तो उन्होंने ब्लैंक स्लेट रखा है कि आप क्या सोच रहे हो तब, ठीक है। टॉकिंग अबाउट एसडी बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यार एसडी अगर तुम प्रिपेयर करोगे ना, इसका तुम्हें दो एडवांटेज मिलेगा। पहला एडवांटेज टाइम की बचत, यू गेट 15 मिनट्स फॉर राइटिंग एन एसडी। एसडी नॉर्मली अगर तुम प्रिपेयर करके जा रहे हो 10 मिनट्स में पूरा कंप्लीट, 5 मिनट्स आपको जो मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे एसआरटी के लिए, ठीक है। अपना आप एसआरटी लिख सकते हो, उसमें अपना डब्ल्यूएटी कंप्लीट कर सकते हो, टीएटी भी कुछ लोगों की छूट जाती है आधी, वो कंप्लीट कर सकते हो। 5 मिनट्स यार बहुत होते हैं 5 मिनट्स, ठीक है। एक ही एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज होता है कि आप एसडी अगर प्रिपेयर करके जाओगे ना, तो ऑलरेडी यू नो कि आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप जो है अच्छे से अपने अंदर एक तरीके से पीआईक्यू में भी उन्हें अच्छे से लिख पाओगे। जैसे एसडी में अगर आप लिखते हो कि भाई मैं बास्केटबॉल खेलता था और मैंने कुछ कहीं पर रिप्रेजेंट किया, तो आप अपने पीआईक्यू में भी लिखोगे ऑब्वियसली बास्केटबॉल खेलता था और मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो मैच हो रहा है ना कि हाँ भाई ये बंदा खेलता था। और प्लस एसडी जो है आपका जो है एक पूरा सेल्फ के बारे में है कि आप कैसे हो, तो उसमें आप प्रॉपर आप दिखोगे। तो एसडी आप मेरे हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से पूछिए भाई तू क्या सोचता है, पेरेंट्स से पूछिए, अपने बारे में खुद ही सोचिए, है ना। ये एक तरीके से खुद का गेम है। और एक बहुत बड़ा, लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि एसडी में जो है हम भाई अगर ज़्यादा पॉजिटिविटी लिखेंगे अपने बारे में तो वो क्या सोचेंगे कि बंदा इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखो, है ना। और ऐसा नहीं है एसडी में पॉजिटिव लिखो, कुछ इंप्रूवमेंट, ऑब्वियसली नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट लिखो। लाइक मैंने अपना इंप्रूवमेंट लिखा था कि मैं थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल इन माय इंग्लिश इज़ नॉट टू गुड, सो आई वांटेड टू इंप्रूव दैट। जीके भी थोड़ी बहुत मेरी अच्छी नहीं थी और फिजिकल में मैं थोड़ा इतना एक्टिव नहीं रहता था, तो ये मैंने लिखा, ठीक है, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, लिखो वो, ठीक है। इससे क्या है, इससे वो आप दिख रहा है कि हाँ भाई आप ट्रुथफुल हो, आप सारी पॉजिटिव पॉइंट ही लिख रहे हो, और फिर आप इंटरव्यूअर सर आपसे पूछते हैं बेटा ये बताओ, और फिर उसमें बता नहीं पा रहे, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो आई थिंक गेट प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू माय व्यूज। और इंटरव्यू में फिर वीकनेस मिल गया, आप खाली पॉजिटिव एसडी में लिख के आ गए हो, इंटरव्यू में वीकनेस मिल गया तो, और उसे आपने मेंशन नहीं किया तो क्या फायदा हुआ। हर चीज आपकी मैच होनी चाहिए, कर्मा वाचा मानसा, तीनों चीजें मिलनी चाहिए आपकी, तो फिर प्रॉब्लम आपके इंट्रोस्पेक्शन पार्ट में आ जाएगा कि आपने सही से इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया। और अगर एसएसबी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि यू आर नोइंग सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू शुड प्रिपेयर इट, तो क्यों नहीं प्रिपेयर करके जाया जाए। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। ऑलराइट, तो और कोई साइकोलॉजी में कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट जो आपके साथ हुआ वैसा शेयर करने के लायक। हाँ सर, हुआ था, मतलब लाइक क्या हुआ, डब्ल्यूएटी लिख रहे थे हम लोग, तो डब्ल्यूएटी में मुझसे तीन वर्ड्स छूट गए थे और मुझे उनकी मीनिंग नहीं आती थी इसलिए छूटे थे, एंड मुझे उनका सीक्वेंस पता था, 57 था एक, 58 था और एक कोई और था, ठीक है। तो उनकी मुझे मीनिंग नहीं पता थी, तो मैं थोड़ा दुखी सा हो गया कि पूछ भी नहीं सकते यार साइड वाले से कि भाई मीनिंग बता दे। एंड तब जीटीओ मैम एक लाइक एक गॉड की तरह बन के आई कि बेटा आई एम गिविंग अ ब्रेक, गो आउटसाइड एंड रिलैक्स योर सेल्फ। तो हम बाहर गए, बाहर जाते से मैंने अपने दोस्तों से सबसे पहले पूछा कि भाई इसकी मीनिंग बता दो जल्दी से, एंड दे टोल्ड भाई इसकी ये मीनिंग है। देन आई आस्क कि ठीक है चल यार मीनिंग छोड़, सेंटेंस ही बता दे मुझे, मैं वही लिख दूंगा। तो दोस्त भी बहुत अच्छे थे मेरे, ठीक है, तो उन्होंने बता दिया भाई ये सेंटेंस है ये लिख दे, तो मैंने लिख दिया वही जाके, तो तीन वर्ड्स मेरे अच्छे से कंप्लीट हो गए एंड आई डिड ऑल 60 डब्ल्यूटी। वन मोर थिंग, ऐसा नहीं होता कि तुम भाई सारे करोगे तो यू विल बी सिलेक्टेड और तुम्हें रिकमेंड करेंगे, नहीं, ये भी मिथ है, ठीक है। क्वालिटी मैटर्स, हाँ क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। मैंने जो क्या पता, मैंने जो 57 लिखे वो ज़्यादा अच्छे उन तीन के मुकाबले, है ना। ऐसा अब मैं तो जानता नहीं हूँ भाई मुझे साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, आई कैन ओनली गेस कि भाई ऐसा किया होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से बस यही था इसमें। और साइकोलॉजी में एक खास करके प्रॉब्लम आता है कि पीपल कैंडिडेट टेल मी कि क्या होता है कि आफ्टर राइटिंग 6 to 7 स्टोरीज योर ब्रेन इज मेंटली, यू नो, मेंटली थक गया है, ब्रेन थक गया है, अब उसको अब पूरा कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा, तो खाली क्या कर रहे हैं कि वी आर राइटिंग द कैरेक्टर्स, कि अब कैरेक्टर ये दिख रहा है दो कैरेक्टर चुपचाप अब कैरेक्टर लिखो, कहानी भूलो, ठीक है। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर दिस कि मेंटली हम थक ना जाए, मेंटली थकना नहीं होना है, थकना नहीं है और पूरा एकदम फुल सारा 11 एसआरटीज तक जाना, 11 टीएटीज तक जाना है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बना? इसके लिए सर मैंने ऐसे किया था, लाइक मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था टारगेट एसएसबी,
और बहुत सारे आपको ऑनलाइन TATs मिल जाएंगे। हर दिन का मेरा टारगेट रहता था कि भाई मुझे 4 TATs करने, हर दिन का था, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 TATs, 30 WATs। SRT सर मैंने नहीं किया, SRT सर मैंने एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया था करना। द आइडिया वॉज डूइंग 4 TATs वर जस्ट कि तुम्हें जो है एक थीम, अब देखो तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो थीम आ गया वो तुमने कभी देखा नहीं है ना कभी प्रैक्टिस किया है, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। या उससे मिलता जुलता भी थीम तुमने कभी तुमने नहीं देखा, अगर तुम्हें भाई आंसर आता हो तो तुम क्यों नहीं लिखोगे आंसर, ऑब्वियसली लिखोगे ही ना। तो इसके लिए सर मैंने फिर खूब, मतलब मेरी पूरी एक इतनी मोटी कॉपी भर चुकी थी, वो पूरी थीम्स के ऊपर ही थी कि भाई ऐसे 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 ऐसे। तो उससे सर एकदम मेरा दिमाग क्रिस्टल क्लियर था, कोई सी भी पिक्चर दिखा दो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जा रही थी कि यस यार ये ऐसे था ये ऐसे था। एंड मेन चीज़ उससे सेकंड चीज़ क्या थी, वो जितनी मैंने स्टोरीज लिखी थी वो सारी मेरे ही ऊपर थी, ऐसा नहीं था मैं कुछ और बन रहा हूँ जो मैं नहीं हूँ, है ना। जैसे सर कुछ लोग क्या लिखते हैं कि जैसे कहीं पे फायर लगी है तो कुछ लोग लिख देंगे यार मैं फायर में चला गया बचाने के लिए लोगों को, ऑब्वियसली 12th क्लास का बच्चा फायर में नहीं कूदेगा ना, सिंपल दिमाग लगाओ, ऊपर ह्यूमन थोड़ी जो है। हाँ, तो उसमें क्या करेगा, वो पानी का अरेंजमेंट कर सकता है, पानी फेंक सकता है, सैंड फेंक सकता है, ऑब्वियसली ये सब करेगा वो, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगा। तो रेलिवेंट चीज़ें लिखो अपने, अब जो मान लो यही बात अगर कोई BTech ग्रेजुएट बंदे से की जाती है तो मे बी वो जा सकता है क्योंकि उसके अंदर उतना करेज है, लेकिन 12th वाले बंदे में ऑब्वियसली उतना करेज नहीं होगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको सोचना पड़ता है डीपली, एंड ये आप तभी सोचोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो सर मेरा ऐसे स्ट्रैटेजी था TAT के लिए। Alright, so हम लोग अब साइकोलॉजी पे बात कर लिए हैं, we had enough discussion and now let's move ahead to interview. Interview, you know, एक बहुत hype बना हुआ है कि interview बहुत तगड़ा हो जाता है, तो just give me a brief कि ये यार जो armed forces का interview है, how is this different from other interviews? यार देखो ये एक ऐसा interview होता है ना जिसमें आपको कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छे से he can abuse you, he can tell anything to you, ठीक है। एंड ये इंटरव्यू यार, ये इंटरव्यू ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, देखो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको देखता नहीं है कभी, ठीक है, वो आपको पढ़ने से ही कर रहा है, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन है। GTO भी आपको फेस टू फेस नहीं, मतलब इतना फेस टू फेस नहीं इंटरेक्ट करेगा, बस कमांड टास्क में थोड़ा बहुत करेगा, मेनली तो आप ग्रुप में देखोगे, लेकिन इससे आप फेस टू फेस दिख रहा हो कि भाई ये बंदा कैसा है, मैं बात कर रहा हूँ इस बंदे से, यहाँ भाई ये बंदा कैसा है। तो ये मेरे हिसाब से ये फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि भाई फेस टू फेस इंटरेक्शन है। एंड आर्म फोर्सेस का ऐसा नहीं है इंटरव्यू बहुत मतलब इमेजिनेबल है या बहुत ही तगड़ा ही होता है, मतलब अलग ही चीज़ है, हाइप है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो भी नॉर्मल इंटरव्यू होता है। बस ये थोड़ा अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट है तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस डालते देखते भाई इसकी लिमिट कहाँ तक है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है कुछ लोगों का, या जो रिपीटर्स होते हैं उनका स्ट्रेसफुल होता है कि भाई तुम पिछली बार में नहीं हुए, अब क्यों नहीं, अब हो पाओगे नहीं हो पाओगे, ऐसे तो वो डालते हैं, ठीक है, उनका मकसद होता है कि भाई इसने पिछली बार से कुछ इंप्रूव किया है या ऐसे ही आ गया है, ये है। और इंटरव्यू में खास करके आर्म्ड फोर्सेस के इंटरव्यू में एक सीरीज में 10-12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में एक मिथ है कि वी हैव टू गिव द आंसर्स इन द सेम सीक्वेंस, और यू नो, और वो ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाता है और एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ जाता है कि अब तो सेम सीक्वेंस में देना है, और वो एक्चुअली रूम ही इतना स्ट्रेसफुल बन जाता है कि फिर बिल्कुल बिल्कुल सारा गड़बड़ हो जाता है फिर। वो जो रूम होता है ना सर, वो एक अलग ही रूम होता है, मतलब जैसे आप घुसोगे ना उसमें एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ नहीं उधर, आपको अपनी आवाज सुनाई देगी कानों में भर भर के, स्पेशली फिर एक फेस शील्ड लग जाता है उसके ऊपर से, और उसमें भी एक पूरा एक चेंबर बना हुआ था जिसमें हम बैठे हुए थे, तो एक अलग ही, मतलब अलग ही चीज थी वो रूम, पता नहीं क्या था वो, ठीक है, वैसा रूम कभी ना देखो तो सही है अपना। तो इसमें क्या होता है सर, उसे रैपिड फायर कहते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन 10-12 पूछ लेते हैं वो आपसे, उनका मेन मकसद बस ये होता है कि वो देखना चाहते हैं आपकी थिंकिंग कितनी है तक है, मतलब आप कितना, इसमें दो चीज़ें आपकी चेक होती है कि आप कितना मेमोराइज कर सकते हो और कितना सूटेबल आंसर दे सकते हो, एंड देयर इज नथिंग दैट आपको सीक्वेंस में देना है और करेक्ट ही आंसर देना है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको जो चीज़ नहीं आती सिंपली से सॉरी सर आई डोंट नो, इंस्टेड ऑफ गिविंग इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, एंड आप 2-3 क्वेश्चन फॉरगॉट कर जाते हो, हार्डली मैटर्स, नो वन केयर्स, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे बोलना चाहिए तो सिंपली से सर सॉरी सर कुड यू प्लीज़ रिपीट इट अगेन, ठीक है, वो लोग यार मतलब अच्छे होते हैं, वो लोग भाई अच्छे से रिपीट कर देते हैं, हमारे जो सर थे बहुत अच्छे थे वो, तो मतलब
हो सकता है फ्रेशर्स के लिए अच्छे हो लेकिन सबके लिए अच्छे ही होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अपना बस काम रहो जितना ज़्यादा काम हो सके, और जो इंटरव्यू से पहले आपको एक रूम में बिठा देते हैं उस रूम में जो है एकदम एकदम वो लो, हंसो एकदम खुल के, बातें बातें करो। एंड आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है क्योंकि उधर आपके सारे 1 से 8 चेस नंबर बैठे रहते हैं, जो आपका ग्रुप होता है। इंटरेक्टिव मेक्स यू मोर गुड इन दी GTO पार्ट स्पेशली। सर उस दिन जैसे मेरा साइक वाला दिन इंटरव्यू हो गया था, तो सर साइक में तो सर हेक्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा ही, दिमाग ऐसे पेन करने लग जाता है। एंड फिर इंटरव्यू दो सर, तो सर अलग ही पता नहीं किस चीज़ में इंटरव्यू चला जाता है ना। तो बहुत बार होता है कि हम जो आंसर नहीं देना चाहते वो भी निकल जाता है मुझसे, तो सर ऐसे होता है। रैपिड फायर के लिए सर आई वुड से कि आप जो है सिंपली लाइक रैपिड फायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे ही वो आपसे ज़्यादा पूछते हैं। तो आप नॉर्मली लिखो, खुद से सोचो यार कि वो क्या पूछेंगे, नेम ऑफ स्कूल, कहाँ से कहाँ तक पढ़े हो, मार्क्स, परसेंटेज, टीचर्स यू लाइक, टीचर्स यू डोंट लाइक, फ्रेंड्स, कोकुलर एक्टिविटीज दैट यू पार्टिसिपेटेड, व्हाई सम फ्रेंड्स यू डोंट लाइक, विद टीचर्स यू डोंट लाइक, इन्हें लिख लो एक कॉपी पे, अपना आंसर लिख लो एंड मिरर के सामने रोड रीड आउट करो। तो सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो क्या पता आपको सेम मिल जाए, है ना। तो ये ऐसे कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट, यस, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। और ये जनरल अवेयरनेस जो आप बोले कि आपका जनरल अवेयरनेस वीक है, तो डिड दिस मेड एनी इंपैक्ट अपॉन इंटरव्यू? लाइक सर अब वो तो सर इंटरव्यूअर सर ही जानते हैं। मेरे हिसाब से सर सर पे मतलब सर ने मुझे लास्ट में मतलब बोला था इस चीज़ के लिए कि आई थिंक जावेद यू आर इन 12th, मैं सर 12th में था, तो ही सेड यू आर इन 12th, आई थिंक यू मस्ट बी वेरी बिजी, दैट्स व्हाई योर GK इज वेरी बैड। तो लाइक एक ऐसे ताना टाइप का था वो, है ना। तो मैंने कहा यस सर, यस सर, एंड देन ही टोल्ड ओके, जाओ जाओ। ओके, और कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जो आप बताना चाहें यहाँ इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू में तो सर मतलब इतना इंटरेस्टिंग कुछ होता नहीं, लेकिन एक था मेरे में कि सर का अचानक से फ़ोन आ गया सर के फ़ोन पे, तो मतलब मैं आंसर दे रहा था तो सर ने कहा कि जावेद विथ योर परमिशन कैन आई पिक अप द कॉल। तो मैंने मैं शौक था कि भाई हु एम आई टू गिव द परमिशन, एंड आई सेड यस सर, यस सर। तो सर ने फ़ोन ऑन पिक करके, फिर वो कंपनी का कॉल था शायद से, तो सर फिर कह रहे पता नहीं इन लोगों को मेरा नंबर कहाँ कहाँ से मिल जाता है। तो सर थोड़ा गुस्से हो गए, तो मुझे लगा कि भाई वो मेरे ऊपर ना निकाल दे, तो थोड़ा बहुत ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोई इम्पैक्ट हुआ उस गुस्से का कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सर मतलब मेरा पूरा इंटरव्यू हंसते हंसते गया था, ऑल द मैं अंदर से रो रहा था लेकिन मुंह पे स्माइल थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जल्दी कमरे से बाहर निकालो, है ना। मींस यू आर अ वेरी गुड एक्टर, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को आपने बहुत कमाल करके रखा है हमेशा। हाँ हाँ, लाइक एक चीज मैंने सीखी है, अपना जो भी है यार एक पॉजिटिविटी दिखाओ, ठीक है। वो तुम्हें प्रेशराइज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि तुम हार्ड टाइम्स में कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है, वो रिएक्शन ही देखना चाहते हैं। अगर तुम ऐसे एकदम पसीने पहुंचोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो यार वो कोई सेंस नहीं होता ना। वो फिर दिख रहा है भाई बंदे को प्रॉपर, वो आ रहा है तगड़ा वाला। एंड एक चीज़ और है, इंटरव्यू में लोग ऐसे पैर बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, मैंने उसमें भी देखा था डिस्कशन में, बहुत लोग पैर हिलाते हैं, तो पैर हिलाना थोड़ा अवॉइड करो और नॉर्मली कामली बैठो, हाथों को अपने थाइस पे रख के, बस सिंपल। दैट इज व्हाई लाइवलीनेस बिकम्स वन ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, राइट? यस सर, यस 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 सर। ओके, तो अब आप GTO तक बढ़ते हैं कि GTO में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या टेस्ट होता है, और आप एक ओवरव्यू बताएं उस पर। लाइक सर GTO के सर 2 दिन होते हैं, Day 1 एंड Day 2। एंड उसमें जो होते हैं Day 1 में सर हमारे टोटल GTO में 9 टास्क होते हैं, एंड Day 1 में हमारे 6 टास्क होते हैं, एंड Day 2 में हमारे 3 टास्क होते हैं। तो सर स्टार्टिंग विद Day 1, हमारा जो Day 1 स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन से। लाइक सर आपको एक टॉपिक देंगे, लाइक मेरा टॉपिक था कि वाई चाइना इज मोर प्रॉस्परिंग दैन इंडिया, एंड देर वर 3 लीड्स, टेक्नोलॉजी, दी पीपल एटीट्यूड एंड दी गुड गवर्नेंस ऑफ दी कंट्री। तो हमें इस पर बोलना था, लाइक फिर आप अपना एक ये जो होता है ना, ये एक डिस्कशन होता है। आप ये मत सोचते यार वो आपके कॉम्पिटिटिवनेस है, वो आप कॉम्पिटिट कर रहे हो यार किसी से कि भाई आपको अच्छा होना, नहीं, वो आपके फ्रेंड्स है। नॉर्मली बात करो कि यार आई चेस नंबर 9, आई थिंक दैट इट शुड बी दिस, कुड बी द रीज़न, एंड रीज़न वाई इट इज़ द रीज़न, टेल इट, ओके।
एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, डोंट कट एनीवन, किसी को काटो मत, एंटिटी को डोंट टेल नो यार यू आर रॉन्ग, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट गो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कोई कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, अपना बोलो यार अपना जो पॉइंट है, एंड इफ यू डोंट नो एनी पॉइंट, दो मिनट शांत बैठो एकदम, अच्छे से सुनो हो क्या रहा है, तो कुछ ना कुछ कैच आ जाता है कि भाई हाँ ऐसे होगा, और वो आपको ऐसा टॉपिक नहीं देते जिसपे आपको कोई आइडिया ही ना हो, वो तीन लीड्स देने का आपका मोटिव ही यही होता है सर लोगों का, कि आप जो है तीनों पे कुछ ना कुछ बोल पाओ, ठीक है, लाइक गुड गवर्नेंस पे भी कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं, एंड टेक्नोलॉजी पे तो बहुत कुछ है, एंड देन पीपल एटीट्यूड, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो इन सब पे आप बोलो अच्छे से, एंड डोंट थिंक दैट आप एक ही लीड पे बोलोगे तो यू वुड बी गुड, तीनों पे बोल सकते हो तो बिल्कुल बोलो। तो ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आता है, फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, तो हाउ टू अप्रोच, मतलब ग्रुप टेस्ट एक तरह से पूरे ग्रुप का टेस्टिंग हो रहा है, कहीं पे आपका इंडिविजुअल टेस्टिंग हो जा रहा है जैसे कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, कमांड टास्क, कहीं पे आपका हाफ ग्रुप टास्क हो रहा है, तो आपका क्या अप्रोच था इस ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर को के लिए, मतलब इस GTO के लिए क्या आपका अप्रोच था GTO टेस्ट के लिए? लाइक मैं एक जैसे बात बताता हूँ, जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर सर थे अपने हमारे, एंड ही वॉज सिमिलर टू वन ऑफ माई सर, उनसे मैंने मतलब SSB का पूछा था, एंड ही वॉज ऑल्सो माई फादर्स ऑफिसर, तो वो एकदम सिमिलर दिखते थे एकदम, तो ऐसा लगता था कि मैं उन सर से ही बात कर रहा हूँ, तो एक अलग ही मतलब अच्छा लगता था मुझे उन्हें देख के, डर खत्म हो चुका था क्योंकि मेरा साइक हो चुका था, इंटरव्यू हो चुका था, अब GTO ही था तो डर तो खत्म था वैसे ही, तो अपना मैं जो किया मैंने फ्रीली किया, एंड दी मोटिव वॉज, मैं हमेशा जो भी चीज़ें करता था उसका दो ही मोटिव था, सेटिस्फेक्शन एंड परफेक्शन, इफ़ दे आर सेइंग समथिंग टू यू जस्ट फॉलो इट, जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, लाइक हमें सर ने बताया था कि आप जो है GTO ग्राउंड में हमेशा दौड़ोगे, लाइक बहुत सारे लोग क्या होते हैं टास्क करने के बाद चलने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना, इफ़ अगर उन्होंने कहा दौड़ना है तो दौड़ना है, ठीक है, वो एक सही चीज़ नहीं है, अगर आप चलते हुए जा रहे हो वो एक तरीके से GTO ग्राउंड का अपमान कर रहे हो आप, ठीक है, और GTO ग्राउंड का अपमान मतलब GTO सर का अपमान, ठीक है, तो जो उन्होंने कह दिया ना वो पत्थर की लकीर है, अगर कहा है दौड़ना है तो दौड़ना है, देन यू कांट वॉक, तो कुछ चीज़ें होती है आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए जितना हो सके, एंड डोंट कॉम्पिटिट विथ एनीवन, ओके, जब कॉम्पिटिशन नहीं करना आपको, आपको अपना दिखाना है बस, ठीक है, आप ऐसा थोड़ी सबका सिलेक्शन ले जाओगे, आप अपना ही तो ले जाओगे बस, बस वैसे कीजिए, फोकस एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ, यस सर, ओके Okay, so अप्रोच ये था, और एक अंकल लाइक फिगर मिल गए वहां पे तो एक आसान हो गया थोड़ा सा ऐसे, और सेकंड फैक्टर ये हो गया कि 2/3 आपका पहले ही टेस्ट खत्म हो चुका है, 1/3 इज ओनली लेफ्ट, 1/3 इज ओनली लेफ्ट, तो सर एक अलग ही वो रहता है कि ठीक है यार अब तो हो ही जाएगा, कोई प्रेशर नहीं था, नथिंग, तो आई वाज एकदम कंप्लीटली फ्री, ओके, और एक लेक्चरेट के लिए तैयारी फिर आपने कैसे किया, लेक्चरेट बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपका चेक करता है, हाउ इज योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ इज योर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? सर लेक्चरेट के लिए सर मैंने ऐसे किया था, लाइक मैंने जो है एक मतलब जो वेबसाइट खोली है, एंड उस पर मैंने स्पेसिफिकली अलाहाबाद के लिए देखे थे कि अलाहाबाद में कौन कौन से लेक्चरेट टॉपिक्स आए हैं, लाइक और उन लेक्चरेट टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन कर लिया था, और उन पर मैंने एक जैसे एक पेज मैंने अपना उठाया, उस पेज में मैंने टॉपिक लिखा लाइक इंडो पाक, एंड उस पर सारा मैंने अपना इंफॉर्मेशन लिख दिया जो जो मुझे पता था एक पेज के अंदर, जिसे मैं 3 मिनट्स के अंदर बोल सकूं, देन मैंने उस पेज को एक बार नॉर्मली अंडर गो थ्रू कर लिया कि इस पेज में क्या क्या मैंने लिखा है, एंड आफ्टर दैट मैंने जो है मिरर के सामने, मिरर जस्ट गिव्स यू दैट कि तुम जो है प्रॉपर एक फेस टू फेस दिखते हो कि भाई तुम जब बोल रहे हो तुम कैसे बोल रहे हो, बोलना सबको आता है, कैसे बोल रहे हो ये बहुत ज़रूरी है, एंड वन ऑफ दी ऑल्सो थिंग यू कैन डू एंड आई वॉज डूइंग दैट, रिकॉर्ड योर वॉइस, अपना वॉइस को मैं जो है रिकॉर्ड कर लेता था स्मार्टफोन में, लेटर रात को सोते समय ईयरफोन प्लग इन करो और सुनो कि यस अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा कम स्लो हो गया, यहाँ पे अच्छा मैं थोड़ा ज़्यादा चिल्ला गया, या यहाँ पे मैं थोड़ा ऑकवर्ड सा साउंड हो गया जैसे मैंने कुछ, तो ऐसा अपना एनालाइजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज करो अपने वॉइस को और देन डू मॉडिफिकेशन टू दैट, एंड मैं सर 10 टॉपिक्स करके गया था लेकिन 10 में से एक भी नहीं आया, ठीक है, तो सर मैं सर मतलब ऐसा, तो अब उधर जाके यार अलग ही टॉपिक्स मिल गए मुझे, तो वही है पैनिक नहीं होना, वो टॉपिक्स ऐसे थे जो आपने सुना है, जैसे सर मैंने टॉपिक लिया था डाउरी, तो डाउरी सर वी ऑल नो डाउरी, व्हाट इज डाउरी,
तो प्रॉपर आपको, अब जैसे सर मैंने 10 लेक्चरेट किए थे, उससे ज़रूरी नहीं हो टॉपिक नहीं आया तो मुझे बेनिफिट ही नहीं हुआ, मुझे पता चला कि कैसे लेक्चरेट बोलते हैं, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गिव योर कंटेंट एंड हाउ टू एंड, ये 3 चीज़ें होती है लेक्चरेट में। एंड सर ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई यू हैव टू स्पीक 3 मिनट्स तभी भाई तुम GTO सर के नज़रों में आ जाओगे अच्छे एकदम, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त ने 1 मिनट अराउंड बोला था एंड ही वॉज रिकमेंडेड फ्रॉम AFSB, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना मतलब जितना आता है कॉन्फिडेंटली बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, टाइम वेस्ट मत करना उधर खड़े होके, लाइक बीच में अटक जाते हैं लोग तो टाइम ऐसे खड़े होके ऐसे नहीं, अपना बोलो ओके सो आई थैंक यू एंड देन गो। ओके, और कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जो GTO में आपका हुआ? इंटरेस्टिंग सर लाइक आप शेयर करना चाहेंगे, जैसे कमांड टास्क या इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कहीं? अब सर जैसे व्हाट हैपेंड इन लाइक सर मैं भी फ्रेशर था तो सर मुझे भी मिथ्स थे, अब मैं जब SSB दे के आया तो मुझे पता चला कि हाँ भाई ये मिथ अलग ही चीज़ है। तो सर क्या हुआ, कमांड टास्क मैंने सुना था कि आपने भी सुना होगा कि अगर कमांड टास्क बहुत तगड़ा मिलता है एकदम जिससे हो ही ना पा रहा हो, और बॉम्ब वाला मिल गया तब तो भाई रिकमेंड। हाँ बॉम्ब वाला मिल गया तो रिकमेंड, तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे सर एक PGT टाइप मिला था, जैसे सर हमारा PGT का होता है ना वैसा मिला था कुछ, तो सर वो मैंने स्टार्ट किया, मैंने रिपोर्ट किया सर को, सर ने ऐसे इनफॉर्मली अपने बारे में बताओ फ्रेंड्स फैमिली ऐसे सर, एंड देन सर ने हमारा कहा ठीक है जेंटलमैन कॉल आउट योर चेस नंबर्स, मैंने बुलाया एंड वी स्टार्टेड। तो क्या हुआ सर, हमने जो है फट्टा लगाया, तो फट्टा लगाते ही जैसे मैंने वेट डाला वो टूट गया। तो सर लाइक GTO सर टोल्ड जेंटलमैन यू ब्रोक माय फट्टा, तो ऐसे थोड़ा गुस्से से बोला, तो आई सेड सॉरी सर, एंड उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है ना, तो मुझे लगा यार मैंने कुछ ज़्यादा ही गलती कर दी। फिर मुझे दूसरा फट्टा मिला, अब किस्मत ऐसी थी वो फट्टा बहुत भारी निकला, हम तीनों से ही वो फट्टा नहीं उठ रहा था इतना भारी था वो, ठीक है। तो जैसे तैसे लगा लगा के हम बीच में पहुंच गया, बीच वाले उसमें हमारे जैसे 3 PGT में होता है ना 3 रास्ते होते हैं, तो वैसे ही उसमें भी 3 रास्ते थे, वी वर ऑन दी लेफ्ट साइड, तो हमें GTO सर मतलब मैं फंस गया था, मुझसे आगे नहीं आइडिया निकल रहा था कोई, ठीक है। तो मैंने मतलब ऐसे ही खड़ा था, मैं देख रहा था, तो सर ने कहा कि जेंटलमैन टेक द राइट टर्न, तो मैंने ऐसे ही मतलब प्रेशर में था तो मैंने मतलब सुना नहीं ढंग से, मैं आगे देखे जा रहा, तो ऐसे ऐसे 2-3 मिनट निकल गए, और तो सर फिर चिल्लाने लग गए जेंटलमैन यू डोंट नो दिस थिंग आई एम सेइंग दैट गो फ्रॉम द राइट टर्न, तो फिर आई सेड सॉरी सर, देन वी वेंट फ्रॉम द राइट टर्न एंड देन उसमें क्या हुआ, रस्सी बांधनी थी, प्रेशर में मैं रस्सी बांध नहीं भूल गया था कैसे बनती है, नॉट कैसे लगाते हैं, इतना ज़्यादा हो गया था क्योंकि सर ने चिल्ला दिया था, ऑब्वियसली मैं फ्रेशर था और मुझे लगा नहीं था कि सर चिल्लाएंगे, तो मैंने कहा चेस्ट नंबर 1 प्लीज़ टाई दे दो, तो वो उसने अच्छे से टाई वाई कर दिया एंड लास्ट में फिर सर ने पूछा अच्छा चेस्ट नंबर 5 टेल मी द डिस्टेंस व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो मैंने कहा सर आई थिंक इट्स लेस देन 4 फीट, तो सर ने कहा आर यू श्योर, मैंने कहा यस सर, तो हाउ आर यू सो श्योर, तो मैंने कहा सर आई लर्न इन NCC टू मेजर द डिस्टेंस, तो उन्होंने कहा जेंटलमैन यू हैव लर्न रॉन्ग, आई मस्ट से यू शुड गो बैक एंड लर्न इट अगेन, मतलब थोड़ा गुस्से से बोला, मैं हंसी से बता रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा यस सर एंड फिर हमने फट्टा रखा। इसमें भी ऐसा नहीं अब चलते हुए रख दो, दौड़ते हुए करना जो करना है, ठीक है। तो भाई हमने दौड़ते हुए फट्टा रखा, सब कुछ रखा एंड मैं शेड पे गया, तो शेड पे मेरा कमांड था सबसे लंबा चला था, अराउंड 30-40 मिनट्स चल गया था मेरा, तो सब लोग ऐसे कह रहे अरे भाई आजा इधर बैठ जा आजा, ठीक है। तो उन्हें लगा भाई यस ये तो हो गया भाई, इस बंदे का हो गया, तो ऐसे रिपीटर लोग भी कहने लग गए कि यस भाई तेरा तो हो गया, मजे कर अब ऐसे वैसे। एंड कैंटीन में मैं गया था, तो कैंटीन में पार्टी मांगने लग गए, मैंने कहा भाई अभी क्या पार्टी देना, अभी हो जाने दो कुछ, तो अच्छा था सर मतलब जो भी था। और फिर day 3 day 4 अपना ओवर हो चुका है एंड नाउ लेट्स कम टू day 5। यस सर, एंड day 5 वाज द अमेजिंग डे ऑफ माय लाइफ एंड सर वी वर टोल्ड कि भाई 900 आवर्स पे रिपोर्ट करो रिपोर्टिंग शेड में एंड देन वी वर टेकन टू अ हॉल नेम एज चाणक्य हॉल। तो वो हॉल देखते से एक हर चीज में पता नहीं क्यों मुझे उधर बड़ा मस्त लगता था, लाइक हर अपना अपना सा फील हुआ। हाँ हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी ना फौज की, दिस थिंग आई लव अलॉट, एवरी थिंग इज़ परफेक्ट। एंड हमारे NCO सर ने हमें बात बताई थी, फौज 3 चीज़ों पे काम करती है, सही समय, सही यूनिफॉर्म एंड
सही तरीका, हाउ आर यू डूइंग दैट। तो ये सब सर हम एकदम अच्छे से अपने दिमाग में हमने रख लिया था कि भाई जो करना है इन तीन प्रिंसिपल्स पे ही करना है। एंड वी वर एकदम शार्प, हमने रिपोर्ट किया टाइमली, वी वर टेकन टू द हॉल एंड सब। देन सर एक कर्नल सर आए एंड ही टोल्ड स्टार्टेड लाइक मोटिवेशन दिया कि जेंटलमैन इफ यू कुडंट मेक इट देन। वैसे सर APJ अब्दुल कलाम सर का दिया उन्होंने एंड वी वर ओके। लाइक फिर सर दे टोल्ड ओके वी विल स्टार्ट योर कॉन्फ्रेंस, सो आर यू ऑल रेडी? सो सर सब चिल्लाने लगे यस यस वी आर रेडी। देन उन्होंने कहा ओके विल सी। तो फिर उन्होंने हमारा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ एंड देन एक बोर्ड होता है सर, तो उधर चेस नंबर डिस्प्ले होते हैं, तो चेस नंबर 5 आया। आई वेंट इनसाइड, सर टोल्ड ओके जावेद। पहले तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा था बैठना कहाँ पे है, मैं लिटरली ऑफिसर्स के साइड में जाके बैठने वाला था, तो मुझे बीच में फिर टेबल, अच्छा बीच में बैठना है ओके, तो पता था सर, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या था, हर चीज़ उधर की पता नहीं अलग ही है। तो सर मैं बैठा बीच में, तो आई वॉज लाइक ठीक है ओके, तो व्हाट वर यू थिंकिंग आउटसाइड? तो ऑनेस्टी इज़ ऑल्सो अ की। सर आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई रिजल्ट्स। तो उन्होंने कहा यू वर थिंकिंग अबाउट योर रिजल्ट्स? तो फिर मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, तो फिर यस सर आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई रिजल्ट्स। ओके ओके, तो उन्होंने फिर कहा अच्छा। तो एक हमारे साथ क्या होता था ना, मेस में पानी नहीं होता था ठीक है, तो पता नहीं मैंने नहीं बोला था, किसी चेस नंबर ने बोला होगा कि भाई मेस में पानी नहीं होता, तो आप लोग पानी लगवा सकते हो, सजेशंस के लिए बोल दिया होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा जेंटलमैन यूज टू ड्रिंक वाटर इन मेस? तो अब मैंने सुना, मुझे लगा कैंडिडेट लाइन का पूछ रहे हैं, उधर पता नहीं दिमाग को क्या था मेरे, कुछ और ही लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा यस सर आई यूज टू ड्रिंक। तो कह रहे बट वन ऑफ दी चेस नंबर वॉज सेइंग दैट देयर इज नो वाटर इन मेस। तो मैंने कहा ओ सर देयर इन कैंडिडेट मेस इज वाटर, आई डोंट ड्रिंक इन मेस। मैंने कहा ओके ओके। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो रेट योर परफॉर्मेंस? तो मैंने कहा सर मिडल। तो उन्होंने कहा थोड़ा गुस्से से व्हाट इज मिडल? मैंने कहा सर अच्छा। तो मैंने कहा सर एट थर्ड पोजीशन। तो उन्होंने कहा ओके सो व्हाई नॉट फर्स्ट? तो मैंने कह दिया सर आई डिड सम मिस्टेक्स इन माय व्हाट डू वी कॉल ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, राइट कलर रूल होता है सर, जैसे रेड को टच नहीं करते या ब्लू पे हम मटेरियल नहीं रखते, तो आई ब्रोक दैट एंड आई थिंक दिस वर सम ऑफ द मिस्टेक दैट आई कमिटेड, सो दैट्स व्हाई आई वुड डिड माय परफॉर्मेंस एंड माय इंटरव्यू आई कुडंट आंसर मेनी ऑफ द करंट एंड अफेयर्स, सो सर विद योर परमिशन कैन आई आंसर इट नाउ? तो उन्होंने कहा नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर ओके ठीक है। तो उन्होंने कहा ओके जावेद यू कैन गो। तो मैं गया, देन आई वेंट टू द शेड एंड सबसे पहले मैंने यही पूछा ये पानी का किसने बोला था कि भाई मुझे पानी में अंदर फंसा रहे थे एंड लाइक लिटरली मुझे लग रहा था कि भाई क्या पता यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, उधर ढंग से नहीं सुना था क्योंकि मैंने है ना। तो लेकिन एवरीथिंग वेंट गुड एंड देन द चेस नंबर्स वाज अनाउंस एंड देन इट वाज लाइक चेस नंबर 5। सो आई स्टैंड अप कॉल ऑफ माई UPSC रोल नंबर एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू से सर, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड हिज नेम इज ऋषिकेश, सो ही वॉज सच अ कॉन्फिडेंट गाय ऑन मी दैट ही गिव मी इन राइटिंग दैट जावेद यू विल बी रिकमेंडेड ऑन द डे ऑफ द डे बिफोर ऑफ द कॉन्फ्रेंस इन राइटिंग एंड साइंड इट प्रॉपरली, जैसे एकदम वो नहीं बनाते लेटर वैसे बना के दिया था। तो मैंने कहा था यार याद रखना मैं देखूंगा इसे, तो उसने कहा देख लेना। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, आई डोंट नो पता नहीं, वो कह रहा था थोड़ा उसका इंटरव्यू ख़राब चला गया था, तो लेकिन आई एम श्योर दैट ही मेक अगेन इन द फ्यूचर एंड फिर मैं उससे मिलना भी चाह रहा था, लेकिन तब तक वो चला गया था जब तक मैं रिकमेंड डॉक्यूमेंट चेस नंबर्स ले गया मैं। तो दिस वॉज ऑल माई जर्नी सर दैट वेंट विद मी। सच अ नाइस जर्नी यू हैव गोन थ्रू एंड मेमोरीज तो हमेशा रहेगा ही इसका। यस सर यस सर यस सर, मेमोरीज इज अनफॉरगेटेबल डेफिनेटली। सो आप एक स्ट्रेटजी बता दें कि NDA 147 अभी हाल ही में हुआ है और उसके बाद पीपल आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट एंड द रिजल्ट विल बी सून अनाउंस्ड इन अ मंथ और सो, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बता दें कि हाउ दे शुड प्रिपेयर, अगर दो महीना बाकी है, दो ढाई महीने बाकी है, तो हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग SSB? ओके सर, स्ट्रेटजी एग्जैक्टली
श्योर सर। सर जैसे लाइक वील स्टार्ट लाइक जब आप पेपर देके आते हो तो आप अपना एनालाइज कर चुके होते हैं अनऑफिशियल आंसर की से लाइक आपके कितने एक्सपेक्टेड आ रहे हैं। इफ यू आर गेटिंग मोर देन 360 या 370 देन यू आर श्योर श्योर दैट यू विल गेट योर कॉल फॉर दीएससीबी। देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, डोंट वेट कि भाई आई विल गेट दी आई विल गेट दैट व्हाट डू वी कॉल रिटन रिजल्ट देन आई विल देन आई विल प्रिपेयर। नो, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विथ पीपीटीटी because that is the first step. PPTT and narration, these both are important, and narration is a thing that it will help in every task of the SSB, whether you take GD, you take GPE, you take PGT, SGT, so lecture it. So narration aapka har jagah madad karega, aisa nahi hai wo aapko kahin pe let down karega. To aap jitna work kar sakte us pe work kijiye aur PPTT pe work kijiye. After that aap jitna PPTT karoge usse aapka TAT strong hoga, जितना आप TAT स्ट्रॉन्ग करोगे आपको वर्ड्स की सिलेक्शन पता चलेगी एंड WAT ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा। WAT में देयर इज अ कैच की WAT में टाइम बहुत कम रहता है, इट्स ओनली 15 सेकंड्स और वो यू एकदम वैनिश हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो आई वुड सजेस्ट WAT के लिए रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए एंड आप असिसमेंट कीजिए खुद से कि यार ये मैंने लिखा है तो ये क्या सही है, सही इन द सेंस अब आप कैसे असिसमेंट करोगे। लाइक अब जैसे एक बच्चा है, एक एट्थ का बच्चा और एक ट्वेल्थ का बच्चा है, दोनों के सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना जो उन्हें डिफ्रेंशिएट करेगा, तो आपको डिफ्रेंशिएशन दिखाना है अपने अंदर, है ना। तो वैसे आप जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे आइडियाज़ इमर्ज होंगे, अच्छे थीम्स इमर्ज होंगे, अच्छा आपका वो होगा, अच्छा आपका परफॉर्मेंस जाएगा SSB में। एंड 2 months इज़ मोर देन इनफ यार, आई थिंक मोर देन इनफ है ये, अगर आप ढंग से प्रिपेयर करते हो, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ अपना। और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम पे, अब उन्हें ज्वाइन करो, उसमें PPTT के सेशंस होते हैं, उन्हें ज्वाइन करो रैंडमली, अपना बहुत सारे लोग आते हैं, 10-12 पीपल आते हैं, अच्छा खासा डिस्कशन होता है ना, अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। टॉक विथ योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, और एक चीज़ और मैं बताऊँगा, आप अपने इंग्लिश टीचर से पूछो कि भाई मैम कि मैम मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, शी विल गाइड अ गुड देन, मैं जो बता रहा हूँ उससे अच्छा मैम आपको बता सकती है ना। तो ऑलवेज आपको जहाँ से हेल्प मिले आप हेल्प लो, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि आपका हो गया तो आप उन्हें भूल जाओ, उन्हें कभी मत भूलना, ठीक है। दे आर अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, जस्ट रिमेंबर देम एंड डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, ठीक है। लाइक सक्सेस आपको तभी मिलते जब आप फेल होते हो, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में SSB हो गया तो मैंने कभी फेलियर कभी मैं फेल ही नहीं हुआ। नो, मैं भी बहुत सारे एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन NDA वॉज दी वन विच आई क्लियर बिकॉज क्योंकि हार्डवर्क किया था। तो सिंपल, आप अपनी तरफ से हार्डवर्क करो, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, कीप द मोरल हाई, जोश एकदम भर के रखो, ठीक है। एंड NDA इज, यू नो दैट NDA इज समथिंग दैट इट्स टेक अ लॉट, भले ही वो आपसे बहुत कुछ लेगा लेकिन उसके बाद जो आपको मिलेगा वो ग्लोरी अलग होगी। It would be worth preparing for NDA. Yes, sir. Yes. NDA is the opportunity that you get. Yaar, matlab 17-18 years ke tum kuch nahi hote, and you are getting a job like a commissioned job. Class one commissioned officer in the army. Gazetted officer. Yes, and it's like a pride. Ki bhai, Indian Army is the second most prestigious and largest army. To uska agar aap officer banne ja rahe ho, to aapme kuch to baat honi chahiye. To उसके लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो।